स्वागत है आप सभी का मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका आज हम विषय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पार्ट दो पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण तो चलो शुरू करते हैं वर्ण क्या है वर्ण, वर्ण वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं जैसे क च म, य, इत्यादि कह सकते हैं के ये वर्ण इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते टुकड़े हम किसके कर सकते हैं शब्द के और शब्द क्या होते हैं दो वर्णों के मेल से बने शब्द ठीक है शब्द के हम टुकड़े कर सकते हैं पर हम वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते अच्छा बताओ का का हम टुकड़ा कर सकते हैं क्या नहीं जैसे अगर मैं लिख के दे रही हूँ आपको प र ठीक है पर ये दो अलग अलग वर्ण हैं और जो वर्ण है इसके दोनों को मिलाकर हमने लिखा तो वो पर बन गया और पर क्या कहलाया एक शब्द कहलाया इसको अगर हम टुकड़े करेंगे इसके टुकड़े तो हो जाएंगे है ना पर इसको हम जो शब्द जो वर्ण है पर उसके टुकड़े हम नहीं कर सकते वर्णों के प्रकार वर्णों के मुख्यतः दो प्रकार हैं पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन पहला है स्वर जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उसे स्वर कहते हैं हिंदी में ग्यारह स्वर हैं। छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋषि-ऋषि, छोटी बड़ी छोटा है, ओ और बड़ा ओ इसका प्रयोग व्यंजन में मात्रा के रूप में भी किया जाता है अन्य व्यंजन हिंदी में अन्य व्यंजन भी हैं जैसे अनुस्वार विसर्ग और अनु अनुनासिक ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं ठीक है संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन क्या है हिंदी के चार संयुक्त व्यंजन है कितने व्यंजन है चार है छ से क्षत्रिय त्रा से त्रिशूल ज्ञान से ज्ञानी और से श्रमिक ठीक है ये दो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं दो दो व्यंजन मतलब मैं बताती हूं आगे इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन में कहते हैं दो दो व्यंजन का मतलब क्या है जैसे क्षत्रिय है वो दो व्यंजन का और से षटकोण ये दो व्यंजन को मिलकर बना हुआ एक वर्ण है ठीक है से क्षत्रिय जैसे त्र त्र आदत और र ठीक है दो ये वर्ण हो गए ठीक है आदत्ता और र इसको दोनों को मिलाकर क्या बना है त्र ज्ञानी ग्यासे ज्ञानी ग्यासे किससे बना हुआ है ग्यासे ज्ञानी प्लस आधा ज है ना दोनों ये दो वर्ण हो गए इसके दो वर्णों के मेल से ये क्या बना हुआ है ग्यासे ज्ञानी ऐसे श्रमिक शासमिक श्रमिक कैसे बना हुआ है आधा शा ठीक है चलजम वाला शाह आधा और र ठीक है ये दो वर्ण से मिलकर ये श्रमिक शब वर्ण बना है आगे ध्वनिया व्या होती हैं जो दूसरी भाषाओं से आई गई हैं ठीक है जैसे आप देख सकते हैं क के ऊपर जो चंद्रबिंदी जैसा लिखा हुआ है ना पर बिंदी नहीं है वो ठीक है तो इसको हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे काल कॉलेज डॉक्टर ऑफिस ठीक है इस तरीके से हम पढ़ेंगे और ये कैसे शब्द हैं अंग्रेजी शब्द हैं जिसकी लिपि रोमन है ठीक है नुक्ता नुकता क्या होता है जैसे आप देख सकते हैं ज के नीचे एक बिंदी लिखी हुई है ठीक है तो जिस इसको हम कैसे पढ़ेंगे जिंदगी मजदूर काफी अफसोस तो ये शब्द जो कि आगत दुनिया कहलाती हैं, ठीक है आगत दुनिया मतलब कि आगत दूसरी भाषाओं से आए गए शब्द हैं, जिन्हों का प्रयोग जो कि हम अपने शब्दों में करते हैं हिंदी भाषा के भी अंतर्गत हम प्रयोग करते हैं ठीक है याद रखने योग्य बातें क्या हैं डाँ डाँ और ड ऐसे व्यंजन जो किसी शब्द के शुरुआत में नहीं आते कभी वह या तो वो बीच में आते हैं और या वो बाद में आते हैं शब्द के बीच में आते हैं या तो वो बाद में आते हैं जैसे लड़की गड़बड़ चंडीगढ़ बड़ना लकड़ी इत्यादि शब्द हैं जिसके अंतर्गत ये वर्ण आते हैं पर शुरुआत के शब्द में ये वाले वर्ण नहीं आते हैं ये पाठ का अंत है उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा